ओके सो ऑल डियर इंजीनियर्स वेलकम यू और थैंक्स टू जॉइन अस। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन रहेगा और थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बात रहेगी कि क्या क्या हम इस कोर्स में करने वाले हैं और कहाँ पर अभी आप हैं और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद फिर आप कहाँ पर होंगे, यानी कि आप क्या सीख जाएंगे और जो स्किल्स आप में अभी हैं उनमें क्या एडवांस हो जाएगा, और एज ए इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर आप क्या कर सकते हैं और आप कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये सब आज हम इसके बारे में जानेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग हम पूरे इस पूरे हमारे जो वीक्स हैं 4 वीक्स, इनमें हम कंप्लीट करेंगे डिज़ाइनिंग। लेकिन उस डिज़ाइनिंग से पहले जो इम्पॉर्टेंट हमारे कनेक्शंस है, रिलेशन होने चाहिए जिसके साथ, जो अलग अलग टीम के साथ हमें कनेक्ट होना है, उन सब के साथ हम कैसे इंफॉर्मेशन लें, किससे क्या इंफॉर्मेशन लेनी है हमें, और कौन कौन से लेआउट्स हम बनाएंगे इसमें या कौन कौन से ड्राइंग्स इसमें हम डेवलप करेंगे, तो और यही सब। और जैसे ही हमारा एज एन इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर, जैसे ही मैं जैसे ही एज एन इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर जैसे ही मैं किसी प्रोजेक्ट पे जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो ये सब हम इस आज ओरिएंटेशन सेशन में जानेंगे। तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम इंजीनियर सादिक हुसैन है, मैंने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था अपना, और आई वॉज़ वन ऑफ द पर्सन स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज और यूनिवर्सिटी हु अवार्डेड विद बेस्ट ईयर, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। एंड उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर किए, मैंने DMRC एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किए, बट आई वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब्स। सो मेरा जो पैशन था, मेरा पढ़ाने का पैशन है, और मैं जब आई वॉज़ इन 10th क्लास, मैं तब से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग यूनि उसमें इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया। और आप व्हेन आई वॉज़ इन माय इंजीनियरिंग, तो तब तक मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था उसके, यानी कि मेरे पास पैशन था मेरा पढ़ाना। और उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने फिर कुछ कंपनीज ज्वाइन की, मैं एज अ PMC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट रहा, अभी भी हूँ, कई प्रोजेक्ट्स में कर रहा हूँ अभी भी। तो मैंने सबसे पहले बिल्टवेल सॉल्यूशंस के साथ काम शुरू किया, बिल्टवेल सॉल्यूशन के साथ काम किया, फिर मैंने टाटा ट्रेंट के ट्रेंट में ज्वाइन किया, टाटा ट्रेंट के बाद फिर मैंने शॉपर स्टॉप को ज्वाइन किया, ऐसे ही मैक अलग अलग प्रोजेक्ट्स को मैंने काम किया है। और यानी एक मेरा एक्सपीरियंस जो है फील्ड का भी है, और अभी भी मैं फील्ड में हूँ, अभी देहरादून में, उत्तराखंड देहरादून की बात कर रहा हूँ। देहरादून में एक सबसे बड़ा मॉल बना है यूनिसन सेंट्रियो, मैंने उसे एग्जीक्यूट किया है अभी रिसेंटली, 14th अक्टूबर को वो लॉन्च किया था। तो मैं अभी तक फील्ड का एक्सपीरियंस भी है मेरा, और साथ में फिर मेरा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी, मैं ट्रेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, मोर देन जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली ट्रेन कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ वक्त तक तो लोकल इंसेंटिव पढ़ाया, यानी कि लोकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, बट उसके बाद फिर मैंने अपना ऑनलाइन शुरू कर लिया है, जिससे कि मैं अभी तक सबसे ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ ऑस्ट्रेलिया में और गल्फ कंट्रीज़ में और इंडिया में। अब शुरू कर दिया है, इंडिया में हमारे साथ कई स्टूडेंट्स जुड़े हैं। तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा। तो और फिर मैंने लॉकडाउन में अपनी एक बुक कंपाइल की इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग की, जो मैं कई वक्त से सोच रहा था कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग एक ऐसा सिलेबस कंपाइल किया जाए जो समझने के लिए बहुत आसान हो और मार्केट में उसकी बहुत वैल्यू हो, तो मैंने उसे कंपाइल किया है। तो अब वही सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इसके अलावा 1 महीने क्लास में, कोर्स में हम इतना सब कुछ, यानी कि अगर मैं कहूँ 100% कवर कर लूँ वो नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, जिसके पैरेलली आप जो यहाँ सीखेंगे उसके साथ पैरेलली भी पढ़ेंगे, तो आप एक अच्छे इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर बन जाएंगे। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम शुरू करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आपके साथ शेयर हो गई मेरी स्क्रीन, प्लीज़ थोड़ा सा माइक खोल के मुझे बता दीजिए।
ओके ओके, कोई ऐसा तो नहीं जिसके साथ शेयर ना हुई हो? ओके अभी शेयर नहीं हुई है आपके साथ? वेद प्रकाश बाकी सबके साथ शेयर हो गई क्या? ओके ओके, मैं दोबारा करता हूँ, 1 सेकेंड। ओके मैं दोबारा कर देता हूँ जिससे सबको शो हो जाए। अभी देखिए वेद प्रकाश आपके साथ शेयर हो रही है स्क्रीन। वेद प्रकाश प्लीज कंफर्म करिए। अभी नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ नहीं शेयर? अच्छा, और किसी के? वेद मुकेश आपका भी नहीं हुआ, वेद प्रकाश का भी नहीं हुआ, और क्यों ऐसे क्या? आप एक बार दोबारा से ज्वाइन करेंगे क्या? वेद प्रकाश हुआ गया आपका, मुकेश हो गया? ओके, दोनों का हो गया ना। वेद प्रकाश अभी आपका नहीं हुआ, मुकेश सॉरी, मुकेश का नहीं हुआ। मुकेश एक बार आप दोबारा ज्वाइन करेंगे क्या? मुकेश अभी हो रहा है ना, अभी सबके साथ हैं शेयर? ओके देखिए, ओके ओके थैंक यू। इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग से पहले एक सिंपल सी बात आती है, बहुत सिंपल सी। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिस्टम आता है, ये सब हम इसकी बात भी करेंगे कि इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग, ये 3 वर्ड है मेरे पास, इनका इनका क्या क्या मतलब है। अभी जाके हम स्टेप बाय स्टेप सब स्टेप लेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम? इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता क्या है? बहुत आसान जबान में अगर मैं कहूँ, बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ, ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग कंपोनेंट्स का, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का। उसमें आपके पास मोटर्स होंगी, डीजी होगा, आपके पास एमसीबी होंगी, एमसीसीबी होगा, या आरसीबी होगी, ट्रांसफार्मर होगा, लाइटिंग फिक्सचर्स होंगे, अलग अलग तरह की लाइटिंग्स होंगी, केबल्स होंगी, वायर्स होंगी, यूपीएस होगा, बैटरी होगी, और ये सब का कॉम्बिनेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम। उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मीन्स सिंपली कॉम्बिनेशन अलग अलग इक्विपमेंट का। लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कैसे ही कनेक्ट कर दिया, एक पैटर्न में। और एक सेकेंड, कोई और ज्वाइन किया साथ में शायद। कैन यू प्लीज शेयर फुल स्क्रीन हरीश? आवर फुल स्क्रीन इज शेयर्ड विद यू। आपको फुल स्क्रीन मीन्स, फुल स्क्रीन मीन्स एक बार आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे मुझे ग्रुप में, कैसा आ रहा है आपका? ओके, नहीं आपका ऑप्शन खुला हुआ है, इसको ऑप्शन को बंद करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ अभी आपको, 1 सेकेंड। आप जो स्क्रीन है ना उस पर डबल क्लिक करिए जुनैद साहब, अब इस पे डबल क्लिक करिए जो हमारी ये स्क्रीन है। इतना बड़ा हो रहा है तो ये मेरा नहीं आना चाहिए,
ये देखिए जहां पर मेरे फोर एरोज है ना, मेरा जहाँ फोटो आ रहा है उसके ऊपर थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, उस पर क्लिक करिए, देखिए क्या आ रहा है। देखिए उसको मिनिमाइज कर दीजिए, उस पर क्लिक करके मिनिमाइज कर दीजिए, ये ऐसा मिनिमाइज आ रहा होगा। नहीं आ रहे? नहीं हो रहा है। अच्छा ये देखिए इसके बगल में एक और सिंबल होगा, उस पर क्लिक करके देखिए, या आपने मुझे मुझे लग रहा है आपने मुझे पिन करा हुआ है, शायद पिन कर दिया है आपने मुझे, उस पर अनपिन करिए, मुझे मेरे फोटो को अनपिन करिए। हुआ अभी? ओके ओके ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखें अभी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैंने आपको बताया सिंपली कॉम्बिनेशन है अलग अलग इक्विपमेंट्स का, हमारे पास अलग अलग इक्विपमेंट है, अलग अलग कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशनल कंपोनेंट है, उनके कॉम्बिनेशन को, उनके इंटरकनेक्शन को। और ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी इंटरकनेक्ट कर दिया, किसको कैसे केबल से कनेक्ट कर दिया, ऐसे नहीं है। उनकी पूरी कैलकुलेशन, उनकी पूरी डिजाइनिंग के साथ पूरा सिस्टम को हम इंटरकनेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब देखिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बाद में अगर बात करूँ इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग की, तो इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग क्या होती है? इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग कहते हैं हम एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करना। अभी ना आप कुछ पॉइंट्स नोट भी करते जाइएगा, मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा। देखिए हमें अब ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है, ऐसा अभी हमने बताया इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जो इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग। डिजाइनिंग क्या होती है? इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग होती क्या है? तो इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग हम कहते हैं एक ऐसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिजाइन करना है, ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम डिजाइन करेंगे जिसमें जो सेफ होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको लिखिए, फैक्टर्स डिजाइनिंग के कुछ फैक्टर्स, सेफ होगा, रिलायबल होगा और हाँ सॉरी ठीक है, और इकोनॉमिकल होगा, इकोनॉमिकल होगा। हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करेंगे जो सेफ होगा, रिलायबल होगा और इकोनॉमिकल होगा। इन पॉइंट्स को नोट करके देखिए। देखिए सेफ की बात क्या करूँ मैं, अगर सेफ की बात कर रहा हूँ तो किसके लिए सेफ होगा? मेरे लिए सेफ होगा, किसके लिए होगा? तो देखिए तो ऑपरेट ऑक्यूपेंट्स के लिए, ऑक्यूपेंट्स के लिए भी सेफ होगा, और हमारा साथ में जो उसका ऑपरेटर है, ऑपरेटर उनके लिए भी सेफ होना चाहिए। हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे, ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो रहने वाले हैं जिस बिल्डिंग के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इट मे बी और रेजिडेंशियल, इट मे बी और कमर्शियल, इट मे बी और इंडस्ट्रियल, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है आपकी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल कोई भी हो सकती है, उसमें ऑक्यूपेंट्स होंगे। ऑक्यूपेंट्स अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो जो जिनके फ्लैट्स होंगे वो लोग ऑक्यूपेंट्स होंगे, अगर कमर्शियल बिल्डिंग है या इंडस्ट्रियल है जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनके लिए सेफ होगा, और दूसरा ऑपरेटर्स के लिए सेफ होगा सिस्टम जो उसको ऑपरेट कर रहा होगा, यानी कि मेंटेनेंस में हो सकता है वो, ऑपरेशन में हो सकता है, किसी भी तरह से, यानी कि एक ऐसा सिस्टम होगा जो ऑक्यूपेंट्स के लिए भी सेफ होगा, ऑपरेटर के लिए भी सेफ होगा। दूसरा फैक्टर है रिलायबिलिटी, वो सिस्टम रिलायबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने सपोज करें रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपने डिज़ाइन कराया है, उसमें आपका पर्पस क्या है, जो आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या फिर कमर्शियल बिल्डिंग है या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, उसमें जो जो लोड्स हैं आपके, इलेक्ट्रिकल लोड्स या फिर मैकेनिकल लोड्स या फिर कोई अलग सा लोड है, फायर फाइटिंग लोड है, प्लम्बिंग लोड है, कोई सा भी लोड है, जिसको भी सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए, तो उनको प्रॉपर सप्लाई मिले, उनको प्रॉपर सप्लाई मिले और कंटिन्यूसली सप्लाई मिले और सेफ सप्लाई मिले, मींस यानी कि ना वो ओवरलोड होना चाहिए ना ही अंडरलोड होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने कभी अपना लोड कनेक्ट करा तो कोई केबल डैमेज हो गई यानी कि ओवरलोड की वजह से, ये सिस्टम में अनरिलायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इस सिस्टम में अनरिलायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, सिस्टम रिलायबल होना चाहिए। थर्ड
हमारा जो क्लाइंट है जो हमें हायर कर रहा है इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग के लिए अपनी बिल्डिंग में, कि आप हमारे यहाँ आइए और मेरा सिस्टम डिजाइन करिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन करिए, तो हमें अपने क्लाइंट को भी देखना होता है, हमें उसके लिए इकोनॉमिकल बनाना होता है सिस्टम को, इकोनॉमिकल क्लाइंट के लिए। लेकिन ये जो शुरू के दो फैक्टर्स हैं इनमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम। जब हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम कोई डिज़ाइन कर रहे होंगे, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जो होगी प्रेफरेंस, वो सेफ्टी पे होगी। मेरा सिस्टम सेफ होना चाहिए, बिल्कुल सेफ होना चाहिए। दूसरा, रिलायबल होना चाहिए। जब ये दोनों फैक्टर्स मेरे सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं थर्ड पॉइंट पे जाके देखूंगा इकोनॉमिकल के लिए, इकोनॉमिक बनाने के लिए अपने सिस्टम को। बट ये आप नोट करके रख लीजिए, सेफ्टी में और रिलायबिलिटी में हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये इलेक्ट्रिकल, जो अच्छा इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर होता है, ये उसकी काबिलियत, उसकी स्किल होती है, उसकी स्मार्टनेस होती है कि कितना सेफ और कितना रिलायबल बनाता है अपने सिस्टम को। ठीक है, तो ये बात हुई इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग की। ये होती है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग, जो इन फैक्टर्स को नज़र में रख के डिज़ाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर वो होता है जो इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर। ठीक, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट मेरे पास आती है बात। एक सेकेंड। ठीक है, मैं कुछ पेजेस इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ जिससे कि बार बार मुझे ना इंसर्ट ना करना पड़े। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। क्योंकि अभी मैंने आपके साथ ना एक बुक शेयर करी होगी, सबको मेल मिला है ना, तो उसमें एक बुक होगी जो नोट्स हैं पूरे, वो तो हम कल से स्टार्ट कर देंगे। बट अभी जो है मैं कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जो उस बुक में नहीं है, तो इसको नोट भी करते रहिएगा साथ में। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर होता क्या है। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर उसे कहते हैं जो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन करे जो हर एक, जो मेरी बिल्डिंग में अलग अलग लोड्स हैं, अलग अलग लोड्स हैं, चाहे कोई सा भी लोड हो सकता है। मेरे पास मैकेनिकल लोड हो सकता है। अब ये मैकेनिकल लोड में क्या क्या शामिल होगा वो अभी हम बात करेंगे, इंक्लूड क्या क्या है इसमें, और लाइटिंग लोड होगा या कोई सा भी, मतलब कोई सा भी लोड कहेंगे ना आप, जिसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत है, उन सबको पावर सप्लाई, उनको इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए होती है। तो हम एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जो मेन मेन, सपोज करिए ये आपकी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ये आपका बेडरूम है, इस बेडरूम में यहाँ पर आपकी लाइटिंग फिक्सचर लगा हुआ है, जिसे कहते हैं टेबल लैंप। अगर मैं कह दूँ एक टेबल लैंप, एग्जाम्पल टेबल लैंप है, ठीक है, और यहाँ से आपके इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग से 130 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जनरेशन यानी कि जनरेटिंग स्टेशन है, 130 किलोमीटर यहाँ पे जनरेट हुई। अब ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, इसको जनरेट करने का पर्पस क्या था? इसका मेरा पर्पस ये था कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, इसे यूटिलाइज किया जा सके, यूटिलाइज किया जाए। अब यूटिलाइज कहाँ किया जा रहा है? यूटिलाइज किया जा रहा है आपके बेडरूम के इस टिप लैम्प में। अब जो 130 किलोमीटर यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी, तो उसमें उसको डिवाइड किया जाता है, यहाँ से आती है हमारे पास सप्लाई। तो हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसमिट कर दे। ट्रांसमिट करना यानी कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट पर सप्लाई कर दे, यानी कि ट्रांसमिट कर दे। ठीक, ट्रांसमिट की स्पेलिंग गलत हो गई है तो उसको इग्नोर करिएगा। तो इलेक्ट्रिक यहाँ से सप्लाई लेकर आपके बेडरूम की इस टेबल लैंप में आपको सप्लाई देनी है,
तो उसके लिए सिस्टम डेवलप करना है। अब उसमें हमारे पास स्टेजेस, अभी अब बात करेंगे स्टेजेस की, उसमें जनरेटिंग स्टेज आएगी, ट्रांसमिशन स्टेज आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज आएगी, यूटिलाइजेशन स्टेज आएगी, उसको अगले पॉइंट पे देखेंगे। अभी देखिए ये मेन काम क्या था, आपको ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ से उठा करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर देनी थी, और वो सिस्टम इन तीन फैक्टर्स पे डेवलप होना चाहिए, यानी कि रिलायबिलिटी, क्लियर एंड इकोनॉमिकल, ये तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल याद करके रखें कि इसके बिना इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग हमारी हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट लिखाता हूँ। अब सपोज करें आप इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर हैं, अब आप जाते हैं, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग शुरू करनी है, तो डिजाइनिंग से पहले कुछ आपके दिमाग में, आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स को लिखते हैं। सबसे पहले हाउ कैन आई डिजाइन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हाउ कैन आई डिजाइन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैं कैसे डिजाइन करूंगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, यानी कैसा सिस्टम मुझे डिजाइन करना है, कौन सा सिस्टम मुझे डिजाइन करना है, ठीक है। इसमें हम ये सबसे पहले ये जान लेंगे कि हमारे पास बिल्डिंग कौन से टाइप की है, टाइप ऑफ द बिल्डिंग, हमारे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, और अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो वो कितनी फ्लोर की है, हाई राइज है या फिर लो, हमारे पास अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो हम देखेंगे वहाँ के ऑक्यूपेंट्स का क्या रहन सहन है, उसके हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन हम गैदर करेंगे। और कमर्शियल बिल्डिंग है तो कैसी तरह की कमर्शियल बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है, कोई मॉल है, कोई शॉपिंग मॉल है या फिर कोई रेस्टोरेंट है, किस तरह की कमर्शियल बिल्डिंग है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, कैसी तरह की इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है हमारे पास, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, ये सब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे ये आ जाएगा, हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। हाउ कैन आई डिज़ाइन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सबसे पहला पॉइंट ये आएगा आपके माइंड में। सेकेंड पॉइंट, विच कोड्स, जब ये आप कर लेंगे, आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन करना है, विच कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स हैव टू बी फॉलो, स्टैंडर्ड्स, आप कौन से स्टैंडर्ड्स और कौन से कोड्स फॉलो करेंगे। सपोज करें आप इंडिया में डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको इंडियन कोड्स फॉलो करने पड़ेंगे, इंस्टॉलेशन के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो इन कौन से कोड्स आप फॉलो करेंगे, आप किस कंट्री के लिए या किस स्टेट के लिए या किस लोकल सिटी के लिए आप इस डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ के आपको कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे। सपोज करें आप इंडिया में हैं तो इंडियन कोड्स आप फॉलो करेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूँ इंडिया में तो इलेक्ट्रिकल कोड्स में NEC फॉलो किया जाता है, तो आप NEC फॉलो कर रहे होंगे। अभी हम कोड्स से ही बात करेंगे, हमारे पूरे चैप्टर में है कोड्स स्टैंडर्ड्स होते क्या है, NEC, IEEE, ये क्या क्या कोड्स हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ये समझिए कि आपको सबसे पहले ये चूज़ करना होगा, आप जो बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं या सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, आप किस कंट्री में हैं, सबसे पहले आप देखें कंट्री में वहाँ कौन से कोड फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, वहाँ वो चेक कर लिया। उसके बाद फिर देखें आप किसी स्टेट पे या प्रोविंस में हैं तो वहाँ पे कौन से कोड्स फॉलो किए जाते हैं, उसको चेक करेंगे। और अगर मान लीजिए आपकी सिटी है, जैसे दुबई है, दुबई के अपने कोड्स हैं देवा, तो वो दुबई के या किसी सिटी के अपने लोकल कोड्स हैं तो उन्हीं को फॉलो करना है, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लेंगे कि आपको कौन सा कोड्स फॉलो करना है या स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया, ये आपकी सेकंड आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। इसके बाद ये है कि विच कैलकुलेशंस मस्ट आई परफॉर्म, कि कौन कौन सी कैलकुलेशंस मुझे करनी है अपनी डिज़ाइनिंग सिस्टम में, हम कौन कौन सी कैलकुलेशन करेंगे, किस किस चीज़ की कैलकुलेशन करेंगे, मीन्स हमारे पास केबल होगी, ट्रांसफार्मर होगा, DG होगा, बैटरी होगी, हमारे पास लाइटिंग फिक्स्चर्स होंगे, लाइटिंग ब्राइटनेस होगी, या फिर फॉल्ट लेवल होगा, वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन होगा, या फिर सर्किट ब्रेकर का डिज़ाइन होगा, किस कौन कौन सी आपको कैलकुलेशन करनी है, आप उसमें वो चेक कर लेंगे, ठीक है। वो आपने एक नोट बना लिया, ये मतलब आपको डिज़ाइनिंग से पहले ये कुछ नोट्स तैयार करने हैं, उसके बाद आप डिज़ाइनिंग पे जाइए, फिर देखिएगा आपकी डिज़ाइनिंग किस लेवल पे जाके होगी। अगर मैं आपको डायरेक्ट शुरू कर दूं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग, मैं आपको सिखा दूंगा ट्रांसफार्मर कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, केबल कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप कर लेंगे, बट जब तक आपके पास पूरा एक सिस्टम नहीं होगा कि किस आप ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कुछ फैक्टर्स हैं उसको आपको जहन माइंड में रखना पड़ेगा, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी कि सब आपका एनवायरनमेंट कैसा है, कौन से एनवायरनमेंट के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पे स्नोफॉल होता है,
उसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा या समझे हॉट एरिया है, तो जैसे आप गल्फ़ की बात करें या साउथ इंडिया की बात करें, वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है तो उसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, वेदर्स को चेक करना है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, तो इन सब कुछ चीज़ों को गैदर करना है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, फिर हम डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। तो थर्ड, सबसे पहला पॉइंट आपने ये जान लिया कि आप डिज़ाइन क्या करने वाले हैं, अपने सिस्टम कैसे डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद कोर्स एंड स्टैंडर्ड आपने देख लिया कि कौन से कोर्स फॉलो करने वाले हैं आप, कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करने वाले हैं। थर्ड, कैलकुलेशन क्या क्या करने वाले हैं आप, ये आपने चेक कर लिया। उसके बाद व्हाट शुड बी द वर्स्ट कंडीशन, आप ये जानेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता कोई फॉल्ट आता है आपके सिस्टम में तो सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, किसी की जान जा सकती है, किसी की लाइफ पे बन सकती है, या फिर पूरा प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, फायर हो सकता है, क्या हम वो वर्स्ट कंडीशन कंसिडर करेंगे, जो सबसे ख़राब कंडीशन हम सोच सकते हैं उसको कंसिडर करके हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, हम उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे व्हाट आर द स्पेशल चैलेंजेस ऑफ ऑफ दैट एरिया, स्पेशल चैलेंजेस। हम मैंने जैसे अभी आपको बताया, हम आप सबसे पहले ये देखेंगे कि किस एरिया के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं सिस्टम, यानी कि आपकी जो बिल्डिंग है वो कैसा, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, वहाँ के ऑक्यूपेंट्स का क्या रहना सहना है, वो किस तरह के लोड यूज़ करते हैं, वो आप सब जानेंगे, और या वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, स्पेशल चैलेंजेस की बात है, और या फिर अगर माउंटेन एरिया, हिली एरिया है तो वहाँ पर आप इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, केबल कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, ले करेंगे कैसे केबल लेके आएंगे, या फिर अगर वहाँ पर एक एक फैक्टर और कंसिडर किया जाता है कि वहाँ पर अगर जैसे हम नाइजीरिया वगैरह के लिए डिज़ाइन करते हैं ना सिस्टम, नाइजीरिया, युगांडा, जो थोड़ी सी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हमारी केबल्स को चोरी कर लिया जाता है, काट के ले लिया जाता है, वहाँ पे स्पेशल चैलेंजेस को हमें कंसिडर करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए वहाँ से केबल हमारी कोई काट के ले गया, चोरी कर ली, या फिर हमारा इक्विपमेंट चोरी कर लिया, तो उन सब स्पेशल चैलेंजेस को हमें, एक्सेप्शनल केसेस को हमें कंसिडर करना होगा अपनी डिज़ाइनिंग में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, विच ऑपरेशन हम कौन सा ऑपरेशनल कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे, ऑपरेशनल कंपोनेंट, ओके, हाँ, विच ऑपरेशनल कंपोनेंट शैल आई सेलेक्ट, यानी कि अगर मैंने जैसे बताया हमारे पास स्पेशल चैलेंजेस हैं उनको कंसिडर करके फिर हम ये देखेंगे कौन सा ऑपरेशनल कंपोनेंट मुझे यूज़ करना है, मुझे अपना ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, ऑयल टाइप यूज़ करना है या ड्राई टाइप यूज़ करना है, और या फिर मुझे टैप ऑनलाइन टैप चेंजर ट्रांसफार्मर यूज़ करना है या नॉन ऑनलाइन टैप चेंजर यूज़ करना है या मैनुअल यूज़ करना है। अगर मेरे पास डीजी है, डीजी में मैं एटीएस यूज़ करूँगा या एमटीएस यूज़ करूँगा, एटीएस यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच यूज़ करूँगा या फिर मैनुअल ट्रांसफर स्विच यूज़ करूँगा, किस तरह का मैं इक्विपमेंट या कंपोनेंट यूज़ करूँगा वो मैं देखूँगा। और लास्ट जो पॉइंट है मेरे पास जो मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट कर लीजिए, सेवेंथ पॉइंट यह है कि कौन सा कैड सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे आप डिज़ाइन ड्राफ्टिंग के लिए, कैड सॉफ्टवेयर, तो कौन सा कैड सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे आप, ये आपको चेक करना है। तो अभी जो हमारा ये कोर्स है इसमें हम यूज़ करने वाले हैं ऑटो कैड, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप इनको नोट करके रखिए। जब भी डिज़ाइनिंग आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले, डिज़ाइनिंग से पहले आप ये कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी ने हैंड रेस किया है, कौन है, परमजीत या एंड उमेद? स्पेशल चैलेंजेस, ओके, एक सेकेंड, और परमजीत आपका क्वेश्चन आप बताइए। अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ से हटा, हाँ मैं हटा देता हूँ, मैं हटा दिया। ओके, देखिए अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फिफ्थ पॉइंट था ना स्पेशल चैलेंजेस का, उमैद, तो स्पेशल चैलेंजेस का मतलब ये है कि अगर अभी हम जो कोर्स में करने वाले हैं, नॉर्मली मैं आपको एक नॉर्मल कैलकुलेशन बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर है उसका साइज़ कैसे सेलेक्ट कैलकुलेट करते हैं, कौन सा टाइप का हम ट्रांसफार्मर सेलेक्ट करते हैं, ये एक जनरल केस में हम पढ़ेंगे। लेकिन अब सपोज़ करिए आपके पास कोई स्पेशल चैलेंज आ गया, आपके पास ये है कि आपके पास कोई हिली एरिया है, आपको बोला जा रहा है आप ट्रांसफार्मर को पोल पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, हिली एरिया में नहीं करेंगे आप, तो
और फिर आपको बताया जा रहा है नहीं आप इस तरीके आप यहाँ पे कोल्ड वेदर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अगर ट्रांसफार्मर आएगा तो उसका जो ऑयल है ट्रांसफार्मर का ऑयल वो सॉरी ट्रांसफार्मर ऑयल में चला गया, केबल जो है केबल की इंसुलेशन अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है तो इंसुलेशन अगर पीवीसी हमने यूज़ करी है तो पीवीसी इंसुलेशन क्रैक होना शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर में, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमने इंस्टॉल कर दिया कि अपनी पीवीसी केबल को तो वो डैमेज मेरी क्रैक हो जाएगी केबल। तो उन सब स्पेशल चैलेंजेस को यानी कि जहाँ जिस एरिया के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ अपनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम या बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे वहाँ के क्लाइमेट के बारे में जानना है, या फिर क्लाइमेट के बाद ह्यूमिडिटी और जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनका रहना सहना कैसा है, वो किस किस तरह के लोड यूज़ करते हैं, वो तो उस सिटी के एरिया से पता चल जाएगा हमें किस किस तरह के लोड यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम ये स्पेशल चैलेंजेस को स्पेशल नोट्स को बना के रखेंगे तब जाके हम डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। अभी क्लियर हुआ? उमेद प्लीज़ कंफर्म करिए क्लियर हुआ आपको? नहीं, उसमें कुछ करना नहीं है, उसमें मींस ये है देखिए जैसे दुबई है, दुबई के लिए या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर कभी आप डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको सिस्टम जो हमेशा डिज़ाइन होगा वो आपका केबल जो होगी वो कॉपर केबल होगी, आप कभी वहाँ पे आपको अलाउ नहीं है आप एल्यूमिनियम केबल यूज़ करें। बट जैसे अगर आप नाइजीरिया की बात करें, नाइजीरिया में जो आप यूज़ कर रहे हैं या फिर युगांडा की, और कई दफ़ा मैं खुद अपना एग्जांपल मेरा अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे था वहाँ पे हमारी टीम ने केबल इंस्टॉल करी, तो रात को हम लोग केबल इंस्टॉल करके गए, जब सुबह आए तो पूरी की पूरी केबल गायब थी, काट के ले गए थे पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। तो इसी तरीके से कुछ चोरी का भी चैलेंज आता है कभी कभी, तो उस केस में क्या करते हैं हम कुछ उसको ले करते हैं या तो ट्रेंच में लेके आते हैं अंडरग्राउंड जिससे कि चोरी ना हो सके, और या फिर उसको इस तरीके से केबल ट्रे में पैक करके लेके आते हैं जो हमारे पास जिससे कोई उसको काट ना सके या फिर चोरी ना कर सके, इस तरीके से थोड़े से हम प्रिकॉशंस लेते हैं बस, सिंपल ये था और कुछ नहीं। उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो चोरी हो गई ना वो तो बिल्डिंग का जो ओनर है वही उन्हीं को वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी बिठा के रखनी पड़ेगी, मगर यह है कि हाँ एक हम उसको कंसिडर करते हैं कि अगर बाई चांस चोरी हो जाए तो हम कॉपर ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो कॉपर ज़्यादा चोरी होता है इसलिए, और ज़्यादा कॉस्टली भी होता है इसलिए इकोनॉमिकल बनाने के लिए भी और चोरी से बचाने के लिए भी हम जो काफ़ी बड़ी केबल्स होती हैं काफ़ी लार्ज साइज़ की तो एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं इंडिया में अक्सर। ये क्लियर हुआ अभी? ओके ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर से पहले देखिए कोई भी बिल्डिंग है उसके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 4 स्टेजेस होती हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 4 स्टेजेस होती हैं। नंबर वन सबसे पहले आपका आएगा प्लानिंग, प्लानिंग उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग स्टेज देन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन एंड देन क्लोजर। मैं ऑपरेशन को इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑपरेशन जो है कंस्ट्रक्शन में नहीं आता है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होता है ना वो एक सेकेंड दूसरा पेन यूज कर लूँ मैं, तो इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर जो होता है ना वो प्लानिंग स्टेज से ही अपनी बिल्डिंग के प्लानिंग स्टेज से ही उसमें शामिल होता है। मीन्स अगर जब आप प्लानिंग प्लानिंग की स्टेज की बात करूं तो प्लानिंग के लिए सबसे पहले बजट डिसाइड किया जाता है, बजट के लिए सबसे पहले बजट डिसाइड किया जाता है, और बजट जब तक आपका हो नहीं सकता सिलेक्ट जब तक आपको टोटल कनेक्टेड लोड या फिर आपको लोड बिल्डिंग का लोड ना मिल जाए विदाउट विदाउट टोटल कनेक्टिंग लोड, इलेक्ट्रिकल लोड की बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी बिल्डिंग है प्लानिंग स्टेज में है तो प्लानिंग के लिए सबसे पहले आप मतलब सबसे पहले नहीं आपको बजट डिसाइड करने के लिए सब आपको ये ज़रूरी है, विदाउट टोटल कनेक्टेड लोड कोई भी प्लानिंग इंजीनियर बजट डिसाइड नहीं कर सकता है। बजट डिसाइड करने के लिए देखिए आपके पास स्टेक होल्डर्स होंगे बिल्डिंग के, स्टेक होल्डर्स के साथ हमारे डेवलपर्स होंगे। मेरा पेन क्यों स्लो चलने लगा है,
डेवलपर्स होंगे, डेवलपर्स के साथ लैंडलॉर्ड्स होंगे, तो इन तीनों ये लोग बजट डिसाइड करेंगे, स्टेक होल्डर्स, डेवलपर, लैंडलॉर्ड्स। तो बजट जो डिसाइड करेंगे, तो जब तक बजट डिसाइड नहीं हो सकता है, मुझे ये ना पता चल जाए मेरी बिल्डिंग का इलेक्ट्रिकल लोड कितना है। जब इलेक्ट्रिकल लोड मुझे पता चल जाएगा, तो फिर बिल्डिंग के लिए वो सैंक्शन करेंगे, यानी कि सप्लाई के लिए गवर्नमेंट, जो आपकी पावर कंपनी है उसके लिए सैंक्शन करेंगे। मेरा पेन इतना स्लो क्यों चल रहा है पता नहीं। तो ठीक है, हाँ, अगर प्लानिंग स्टेज में है, तो अगर हमारा सेंक्शन, हमारे पास सेंक्शन करना है बिल्डिंग के लिए, यानी कि आपको कनेक्शन लेना है, सप्लाई कनेक्शन लेना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा ना टोटल कनेक्टेड लोड कितना है। जब आपको टोटल कनेक्टेड लोड होगा, तो आपको जो प्लानिंग इंजीनियर है वो एक, जब टोटल कनेक्टेड लोड होगा तो क्या करेगा वो, ट्रांसफार्मर की एक टेंटेटिव कॉस्ट निकाल लेगा, ट्रांसफार्मर की, डीजी की, और जो इक्विपमेंट्स है उनकी एक टेंटेटिव बजट निकालेगा। एक टेंटेटिव बजट निकालने के बाद वो होगा क्या, आपका प्लानिंग में बजट डिसाइड हो जाएगा। जब बजट डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद प्लानिंग के बाद सेकंड स्टेज आएगी ये डिजाइनिंग की। अब डिजाइनिंग स्टेज में क्या क्या होता है वो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। डिजाइनिंग, फिर मेन्स यानी कि आपके लेआउट्स बनेंगे, ड्राइंग्स बनेगी, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स बनेगी, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा साइट पर, उसका इंस्टॉलेशन होगा, उसका टेस्टिंग होगा, मेंटेनेंस होगा, कमीशनिंग, अलग मतलब सब स्टेजेस, एग्जीक्यूशन होगा साइट पर। और जब ये सब हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन रह जाता है, इसका हैंडओवर रह जाता है, और इसका क्लोजर रह जाता है। मीन्स ये चार स्टेजेस हैं हमारी किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के शुरू से ही इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर उसमें साथ में रहता है, ये बात आप ध्यान रखिए। फिर डिज़ाइनिंग आपका कोई अलग पार्ट नहीं है, आप पूरी बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है उसका एक पार्ट है, आप कोई अलग नहीं है, आप एक पूरे पूरी बिल्डिंग का एक पार्ट है आप, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है मुझे आपको बताना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैं। अब आपको कहा जाए, एक बिल्डिंग देता हूँ मैं, एक बिल्डिंग देता हूँ, एक सेकेंड मैं फ़ोटो खोल लेता हूँ। ये देखिए एक बिल्डिंग है आपके सामने, तो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। अब कहा जाए आपको इसके लिए इलेक्ट्रिकल, आप इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन कर दीजिए इसके लिए, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन कर दीजिए, लेकिन आप शुरू हो जाएं अपना कैलकुलेशन लेके, अपना अपना आप कैलकुलेटर लेके शुरू हो जाएं, अपना डिज़ाइनिंग शुरू कर दें। नहीं, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इस पॉइंट को तो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट करके रखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस अब तक जो हमने पढ़ा है। देखिए, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर, गुड इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग की बात करूँ अगर मैं, गुड डिजाइनिंग की अगर बात करूं, तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिजाइनिंग शुरू करने से पहले आप जाएंगे डेवलपर्स के पास, एक मीटिंग होगी आपकी, आप डेवलपर्स और आपका लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड और आपका स्टेक होल्डर्स, इनके साथ एक मीटिंग होगी आपकी। आप इनसे कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे, आप इनसे पूछेंगे कि आपकी जो बिल्डिंग है उसका पर्पस क्या है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आप उस बिल्डिंग से जब बन जाएगी, कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, पूरी बिल्डिंग ऑपरेशन हो जाएगी, आपका एंड एक्सपेक्टेशन क्या है, फाइनल एक्सपेक्टेशन क्या है। जब आपको ये बताएंगे कि मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, वो अपना आपको एक्सपेक्टेशन बताएंगे। फॉर सपोज करें, उन्होंने बताया मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं एक ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ जिसमें 100 फ्लैट्स होंगे, 100 फ्लैट्स होंगे, और हर एक फ्लैट में हम पूरी की पूरी सुविधाएं, यानी कि फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हर तरह के उनका ऑटोमेशन होगा, ऑटोमेशन यानी कि हर हर जगह उनका इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा। तो वो हम जानेंगे इनका एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या बनाने वाले हैं, ये सब हम इनसे डेटा कलेक्ट करेंगे कि वो कैसी टाइप की बिल्डिंग बनाने वाले हैं, किस जगह बनाने वाले हैं, या उनका फ्यूचर एक्सपेंड करने का क्या इरादा है उनका, फ्यूचर में एक्सपेंड करेंगे उसे क्या करेंगे, वो सब इंफॉर्मेशन इनसे कलेक्ट करेंगे। और वैसे भी इससे पहले इनके पास एक फाइल होती है,
जो फाइल में पूरा इनका एक्सपेक्टेशन लिखा होता है, इनका इन्फॉर्मेशन होता है, बिल्डिंग की इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप लेंगे, पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद इनके साथ मीटिंग करेंगे। पूरा मीटिंग करने के बाद जो डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं इनसे, इनके रिलेटेड जो डेटा है वो आप इनसे सेलेक्ट कर लीजिए। आप इनसे ये नहीं पूछ सकते कि आप कौन सा केबल यूज़ करना चाहेंगे, वो आपको कुछ नहीं बताएंगे। केबल आपको सेलेक्ट करना है, पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपको सेलेक्ट करना है। मेन आपको इनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप क्या, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। आप ना जब ही इलेक्ट्रिकल, गुड इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर तभी बन सकते हैं जब आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ जाएं। जब आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ जाएंगे तो आप उसे वही चीज़ डिलीवर करेंगे। अगर मान लीजिए आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं समझे, आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा उसे दे रहे हैं लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो, तो उसके लिए बेकार है वो। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जानिए क्लाइंट की। ये आपके क्लाइंट है, डेवलपर्स, लैंडलॉर्ड्स, स्टैक होल्डर्स, इनके साथ मीटिंग करने से जितना आपने डेटा कलेक्ट किया वो आपने कलेक्ट कर लिया, एक फाइल बन गई। अब इसके बाद आपने जब इनके साथ मीटिंग कर ली, फिर नेक्स्ट मीटिंग होगी आपकी आर्किटेक्चर के साथ, आर्किटेक्ट के साथ। आर्किटेक्ट से आप पूछेंगे, इसने लेआउट बनाया, सिविल लेआउट इसने सारे बनाए होंगे। सेकेंड, हाँ चल, हाँ ठीक है। तो आर्किटेक्ट से आप मीटिंग करेंगे, आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्ट आपको बताएगा कि कौन से टाइप की बिल्डिंग है, टाइप क्या है बिल्डिंग का, कौन से टाइप की है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, अगर रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल में कौन सी है, हाई राइज बिल्डिंग है या फिर लो राइज बिल्डिंग है, या फिर ये समझिए कि बंगलोज हैं उसमें, किस तरह की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल है तो किस तरह की कमर्शियल बिल्डिंग है, ये सब आपको बताएंगे। इंडस्ट्रियल है, कैसी इंडस्ट्रियल है, स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है, मीडियम स्केल है, कितनी तरह की। आपको फिर ये एक इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये आर्किटेक्ट बताएगा, इस आर्किटेक्ट ने पूरी बिल्डिंग में, ये जो आपकी बिल्डिंग है इसमें इसने आपके लिए जगह बनाई होगी कि आप ट्रांसफार्मर कहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, आप DG कहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, आप अपना मेन इलेक्ट्रिकल पैनल कहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसने एक जगह बनाई होगी, इलेक्ट्रिकल रूम होगा आपका, कंट्रोल रूम होगा आपका, और अलग अलग लोड के लिए इसने आपको जगह बना के दी होगी। अब आपको ये पूछना होगा आपसे, सपोज करें कि इससे ये पूछेंगे कि अगर ट्रांसफार्मर यहाँ पे इंस्टॉल होना है तो यहाँ से लेकर के मेरे मेन पैनल की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, लेंथ वो आप मेज़र करेंगे, क्योंकि लेंथ अगर केबल आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको लेंथ का बहुत बड़ा ख्याल रखना है उसमें, क्योंकि अगर लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपका वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो आपका इक्विपमेंट रिलायबल नहीं बचेगा। तो आपको इससे पता चल जाएगा इसने जगह जो बनाई होगी आपके इंस्टॉलेशन के लिए वो कितनी दूर है आपके मेन पैनल से, DG रखना है, DG कहाँ पे रखेंगे उसकी लेंथ आपको पता चल जाएगी, मेन पैनल रखेंगे, मेन पैनल कहाँ पे होगा वो आप चेक करेंगे, आपका जो इसने इलेक्ट्रिकल रूम आपको इसने बना के दिया होगा, प्रपोज किया होगा, तो आप इससे पूछेंगे कि भाई इलेक्ट्रिकल रूम की डायमेंशन क्या है, आप उसमें चेक करेंगे, आपकी उसमें मेन पैनल आ जाएगा, आपका उसमें DBs आ जाएंगी, आपके उसमें इन्वर्टर रखे जाएंगे तो वो आ जाएंगे। मीन्स जो जो इक्विपमेंट हैं वो उसमें सेट बैठ भी रहे हैं या इसने छोटा बना दिया या बहुत ही बड़ा बना दिया जो किसी यूज़ का नहीं है, तो वो सब कंसिडर करेंगे। हम आर्किटेक्ट से बात करेंगे, आर्किटेक्ट हमें सब चीज़ें बताएगा और ये बताएगा, और फिर हम आर्किटेक्ट से जो हमारा सॉइल होगा जिस बिल्डिंग, जिस जगह पे हम बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसका हमें उससे अर्थिंग, अपनी अर्थिंग कैलकुलेशन करने के लिए तो उससे सॉइल रिपोर्ट लेंगे, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट होती है, सॉइल रेजिस्टिविटी टेस्ट रिपोर्ट लेंगे हम उससे, वो हमें सब, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो ये सब हम लेंगे आर्किटेक्ट से। अब आर्किटेक्ट से भी मीटिंग हो गई हमारी, आर्किटेक्ट से ही मीटिंग हो गई, क्लाइंट से ही मीटिंग हो गई। अब इसके बाद मुझे जो मीटिंग करनी है, अलग अलग डिज़ाइन इंजीनियर से मीटिंग करनी है, HVAC डिज़ाइनर से मैं बात करूँगा जाके, प्लम्बिंग इंजीनियर से, प्लम्बिंग डिज़ाइनर से बात करूँगा मैं जाके, प्लम्बिंग के साथ अगर मेरा फायर फाइटिंग है, ये मतलब जो भी डिज़ाइनर है इनसे मैं जाके, फायर फाइटिंग, एक सेकेंड, तो इनके साथ एक मीटिंग होगी मेरी, इनसे मैं पूछूंगा कि भाई आपने जो सिस्टम डिज़ाइन किया है उसमें, अगर आपने HVAC सिस्टम डिज़ाइन किया है उसमें आपका AHUs होंगे या आपके नॉर्मली आपके स्प्लिट AC होंगे या फिर आपका चिलर प्लांट होगा या फिर आपके लिए वेंटिलेशन सिस्टम है, इन सब के लिए आपने जो मशीन्स डिज़ाइन करी हैं उनका पावर कंजम्पशन कितना है,
वो हम इनसे पूछेंगे। इन्होंने मोटर डिज़ाइन करी होंगी कि प्लम्बिंग के लिए आपको जॉकी पंप चाहिए होगा और आपका फायर पंप होगा, उसकी क्या पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, पावर कंजम्पशन कितना है, वो आप इनसे पूछेंगे। और दूसरा ये भी पूछेंगे कि भाई आपका जो स्टार्टिंग है, जो मोटर स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में इनरश करंट लेती है, हैवी करंट लेती है वो, यानी कि अगर मान लीजिए वो अपना रेटेड करंट 5 एम्पियर्स ले रही है और स्टार्टिंग में उसका 50 एम्पियर्स है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। वो आप ये सब डेटा कलेक्ट करेंगे अलग अलग इंजीनियर से, ये सब पूछेंगे आप इनसे, जो आपको ये सब डिज़ाइन इंजीनियर ये सब डेटा प्रोवाइड कराएंगे। आपकी ये थर्ड मीटिंग इनके साथ हो गई। थर्ड मीटिंग होने के बाद फिर आपको एक मीटिंग और करनी है। आपकी मीटिंग में ये अलग से डिज़ाइनर्स और होंगे जो होंगे सेंसिटिव लोड्स में कौन कौन से होंगे। आईटी लोड होगा आपका, आईटी लोड के साथ या फिर मेडिकल इक्विपमेंट है कोई, ये अगर आपकी कोई लोड्स कनेक्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स होंगे या आईटी लोड होंगे, तो ये सेंसिटिव लोड होते हैं। आप इनसे बात करेंगे कि भाई आपका जो सिस्टम है किस तरह का सिस्टम है, कौन सा सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, जो पैनल यूज़ कर रहे हैं कौन सी तरह के पैनल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है ना ज़्यादातर इन सेंसिटिव लोड्स की वजह से ना हमारे सिस्टम में हार्मोनिक्स आते हैं। हार्मोनिक्स आप ये समझिए इलेक्ट्रिकल पॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो सिस्टम है उसमें पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं ये हार्मोनिक्स के वजह से। तो हम इनसे ये मालूम करेंगे कि भैया आपका आईटी सिस्टम है तो कौन से तरह का है, कितना उसका लोड होगा, और ये जो आईटी सिस्टम होते हैं ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट हुए, आईटी सिस्टम, आईटी लोड हुए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसमें डेटा होता है। अगर फॉर 2.5 मिली सेकेंड के लिए भी आपकी पावर इंटरप्ट हुई ना, तो इनका डेटा सब करप्ट हो जाता है, ये सब करप्ट हो जाता है, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और या फिर अगर कोई इसमें वोल्टेज स्पाइक आ गई तो ये डैमेज हो जाता है पूरा, तो इसलिए इन सेंसिटिव डेटा को हमें अलग से और बहुत स्पेशली ट्रीट करना होता है। इसके लिए अलग से हम कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। तो सेंसिटिव डेटा के लिए हम इनसे बात करेंगे, भाई आप आईटी टीम से बात करेंगे कि भाई कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं सिस्टम। इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा लो वोल्टेज जो सिस्टम है ना, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज जो सर्विसेज हैं आपकी, उसमें आपका फायर अलार्म सिस्टम आ सकता है, आपका सीसीटीवी आ सकता है, आपका इंट्रूजन सिस्टम आ सकता है, आपका रोडेंट सिस्टम आ सकता है, या फिर आपका बीएमएस सिस्टम आ सकता है पूरा। तो ये सब इनसे बात करेंगे कि भाई आप कौन से तरह का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा पैनल यूज़ कर रहे हैं, आपका पावर कंजम्पशन क्या है, आपको कैसी पावर चाहिए, तो वो सब हम इनसे बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो FAS सिस्टम है ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, ये हमारे मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, और अगर बात करें इंट्रूजन सिस्टम के लिए ये भी सेफ्टी के लिए यूज़ होता है, और ये BMS पूरा ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये सिस्टम जो है ना इसमें हमें कंटिन्यूसली पावर देनी होती है। अगर हम इसमें UPS पावर सप्लाई करते हैं तो कौन से वाली UPS की पावर सप्लाई करेंगे, तो इसका लोड क्या होगा, कौन सा UPS सिलेक्ट होगा, वो इस पे डिपेंड करता है। तो एक मीटिंग आपकी इनके साथ हो जाएगी। इनके साथ होने के साथ साथ एक और स्पेशल मीटिंग आपको करनी है अगर आपकी बिल्डिंग में है। अगर नहीं है तो वैसे नॉर्मली छोटी बिल्डिंगों में नहीं होता है, मगर ये काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनती हैं और पूरा एस्टेट बनता है, तो उसमें एक और डिपार्टमेंट होता है सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट होता है। तो इससे आप एक मीटिंग और करेंगे इस डिपार्टमेंट से, तो ये आपको क्या बताएगा, इनका काम क्या होता है सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट का। इनका काम ये होता है जो आपका सिस्टम है उसको ज़्यादातर रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करने का, यानी कि ये क्या करते हैं, एनर्जी कंजम्पशन जो है उसको कम करते हैं, एनर्जी कंजम्पशन को कम करते हैं। कैसे कम करेंगे, सपोज़ करें ये आपको बताएंगे भाई हमने ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन की है कि यहाँ पर इन्होंने ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन की है, यहाँ पे हमने ग्लास लगाएंगे जिससे कि डे लाइट अंदर हमारे रूम में बहुत अच्छी जाएगी, जिसके वजह से हमारी डे में लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइटिंग कंजम्पशन कम हो जाएगा, लाइटिंग लोड का कंजम्पशन कम हो जाएगा। ये आपको बताएंगे इस तरीके से हमने इसको डे लाइट अपना यूज़ करके हम लाइटिंग कम कर देंगे, तो इससे हमारा लाइटिंग कंजम्पशन कम हो जाए, लोड कंजम्पशन कम हो जाएगा। या फिर ये कहेंगे कि भाई हमने एक ऐसा किया है कि सोलर पैनल्स यूज़ किए हैं या सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जिससे कुछ लोड को हम सप्लाई देंगे अपना सोलर पैनल से, तो हमारा एनर्जी कंजम्पशन वहाँ पे घट जाएगा। तो मेनली इनसे हम यही पूछेंगे कि आप एनर्जी कंजम्पशन कम करने के लिए क्या क्या
स्टेप्स ले रहे हैं और क्या क्या इसमें आप कर रहे हैं, तो इनसे डेटा कलेक्ट करेंगे आप। तो इन सब से डेटा कलेक्ट करने के बाद आपके पास पूरी एक फाइल बनेगी। आपने डेवलपर से उसका एक्सपेक्टेशन पूछ लिया, आपने आर्किटेक्ट से इंफॉर्मेशन ले ली, आपने अलग अलग डिज़ाइनर से बात कर ली, आपने आईटी टीम से बात कर ली, आपने एक्स्ट्रा लो वोल्टेज वालों से बात कर ली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बात कर ली। तो इन सब से मिलने के बाद आपको एक डेटा बन जाएगा, आपके पास पूरी फाइल बन जाएगी। अब आपको ये पता है कि आपको करना क्या है और आपके क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन क्या है और आपके पास क्या क्या कंडीशन अवेलेबल है जिसके लिए आपको सिस्टम डिज़ाइन करना है, ये लोड किस किस तरह का है जिसको आपको सप्लाई देनी है, आपका अगर कोई वर्स्ट कंडीशन है तो वो कौन सी है, ये सब जब आप कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको डिज़ाइनिंग शुरू करनी है। तो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग अक्सर हमारी ये बदकिस्मती समझ लीजिए आप, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर को समझा जाता है ये पूरा का पूरा खुद अकेला ही डिज़ाइन कर लेगा, जबकि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग जो है टीम वर्क है, टीम वर्क है, ये आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए। कभी आप अकेला वर्क नहीं कर सकते जब तक आप इन सबसे डेटा कलेक्ट नहीं कर लेते, आप एक अच्छा इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। तो ये टीम वर्क है जो आपको टीम के साथ मिलके ही करना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ठीक है, देखिए लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, बस इसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन सेशन लेंगे और फिर हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो अभी जो है लास्ट मेरे पास पॉइंट आता है, देखिए ब्लैंक पेज ले लेता हूँ एक। ठीक है, आ गया ब्लैंक पेज। ओके, अब ये देखिए आपके पास ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को आपको कहा जा रहा है, इस बिल्डिंग के लिए आपको डिज़ाइन करना है, सिस्टम डिज़ाइन करना है। अब देखिए ज़रा कैसे डिज़ाइन करेंगे हम। ओके, देखिए आपको इस बिल्डिंग में जितना भी लोड है उसको पावर सप्लाई करानी है, आपने पावर सप्लाई देनी है। अब लेकिन आपका इस बिल्डिंग से 130 किलोमीटर दूर जनरेटिंग स्टेशन है, अब यहाँ से पावर सप्लाई आएगी कैसे यहाँ तक? तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो स्टेज होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग सिस्टम में या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, वो शुरू होती है जनरेटिंग स्टेशन से। जनरेटिंग स्टेशन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, अब जनरेट होने के बाद उसको क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। मेरा मेन पर्पज़ क्या है जनरेट करने का? मेरा मेन पर्पज़ है कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वो यूटिलाइज़ हो। तो यूटिलाइज़ होने के लिए वो ट्रांसमिट करते हैं। सेकंड स्टेज आती है ट्रांसमिशन की, ट्रांसमिशन के बाद स्टेज आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहाँ से हमें, ये सब स्टेशंस कह सकते हैं आप इन्हें सब स्टेशंस, तो यहाँ से हमें सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अलग अलग। ये मान लीजिए आपका इंडस्ट्रियल लोड है तो यहाँ से आपको मिलेगी सप्लाई, अगर आपका कमर्शियल लोड है यहाँ से आपको मिलेगी, रेजिडेंशियल है तो आपको यहाँ से मिलेगी। सपोज करें इस बिल्डिंग के लिए आपको सप्लाई चाहिए, अब आपने गवर्नमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से जाके आपने कनेक्शन लिया, तो उन्होंने सबसे पहले आपसे पूछा कि भाई आप हमें टोटल कनेक्टेड लोड बताओ अपना, तो टोटल कनेक्टेड लोड कितना है ये हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें सीखेंगे कि कैसे अपनी पूरी बिल्डिंग का लोड कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला सवाल जब आप कनेक्शन लेने जाएंगे आपके क्लाइंट, तो सबसे पहला यही होगा कि टोटल कनेक्टेड लोड बताओ। आपने सपोज करें बता दिया उन्हें 1000 KVA, तो 1000 KVA का आपने लोड बता दिया इन्हें। अब ये जो है आपको इतना लोड लाके आपके जहाँ पे आपको आप उनको बताएंगे कि भाई आप यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए, तो सपोज करें आपका यहाँ पर इस जगह पर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होना है। थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ और कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपके क्लाइंट ने आपको बताया कि भाई मैं ट्रांसफार्मर यहाँ पे इंस्टॉल होगा, आपके आर्किटेक्ट ने बता दिया, तो अब आप क्या कहेंगे अपने गवर्नमेंट को, भाई मेरा ट्रांसफार्मर यहाँ पे इंस्टॉल है, तो ये आपको केबल लाके यहाँ पे दे देंगे, आपके ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो ट्रांसफार्मर का साइज़ होगा ये आप कैलकुलेट करेंगे अपने लोड के हिसाब से। अब इन्होंने आपको लाके यहाँ पे दे दिया, अब यहाँ पे काम ख़त्म सबका, अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है।
आप इस ट्रांसफार्मर का साइज सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस ट्रांसफार्मर से सप्लाई इस पूरी बिल्डिंग में फ्लोर के हिसाब से, अलग अलग फ्लोर पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोड के हिसाब से पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस पूरे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग शुरू, यहाँ से, इस जगह से हमारी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग शुरू होगी जो हम पूरा डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। तो इसमें देखिए, तो आपका जो है सप्लाई, एक सेकेंड, थिक कम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से अब आपके ट्रांसफार्मर में आ गई केबल, एक सेकेंड, कलर चेंज कर ले, और दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ये वो ट्रांसफार्मर है अभी, जो आपको पीछे से ये केबल आपकी कनेक्ट हो गई, सप्लाई आ गई आपके ट्रांसफार्मर में। ये होगी हमारी HT केबल, यानी कि ट्रांसफार्मर की ये होगी हमारी हाई वोल्टेज साइड या प्राइमरी साइड। ये आ रही होगी हमारे पास पावर 11 kV पर, या सपोज करें 33 kV पर, लेकिन आपका यूटिलाइजेशन जो होता है सप्लाई पावर का, वो होता है 430 वोल्ट्स पर, या अप्रोक्सीमेट 230 वोल्ट्स पर, या 415 वोल्ट्स। एक मैं एक जनरल ले रहा हूँ, ये थोड़ा, कहीं 415 होता है, कहीं 430 होता है, 420 होता है, मगर एक जनरल लेके बात कर रहा हूँ मैं, 430 वोल्ट्स या थ्री फेज पे, और सिंगल फेज पे 230 पे। अब हमें वोल्टेज को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, तो स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होगा हमारा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि यूटिलाइजेशन स्टेज में है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा हमारा। अब यहाँ से जो सप्लाई आएगी, अब ये जो साइड में हमारी केबल होगी वो होगी LT केबल, LT केबल। अब ये LT केबल, HT केबल क्या है, वो केबल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा, और ट्रांसफार्मर कौन सा है वो भी ट्रांसफार्मर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसके बाद ये जो हमारी यहाँ से हम सप्लाई लेके आएंगे अपने मेन पैनल। अब मेन पैनल में आने के बाद मेरी जो सप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी इस पूरी बिल्डिंग में। इस पूरी बिल्डिंग में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, सपोज़ करें मेरे पास फ्लोर या ब्लॉक्स मान लें आप, या फ्लोर मान लें आप, किस तरीके से मेरा क्लाइंट चाहता है, या फिर मैं अपने हिसाब से कैसे डिज़ाइन कर रहा हूँ, वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा अपने हिसाब से, और वो कैसे कैसे करेंगे वो अभी आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो मेन लोड होगा, ये पूरा टोटल लोड आ गया, मान लीजिए आपको 1000 kVA का आपने मांगा था लोड, तो आपके पास ये लोड टोटल, आपके पास जो पावर आई है 1000 kVA की, तो 1000, ये 1000 kVA की आपकी पावर आ रही है। अब इस 1000 kVA की पावर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, कुछ मैकेनिकल लोड होगा आपका, मैकेनिकल लोड में कौन कौन सा होगा आपका, HVAC लोड होगा, प्लम्बिंग लोड होगा, लिफ्ट लोड होगा, एस्केलेटर्स होंगे, एलिवेटर्स होंगे, मीन्स, और या पंप्स होंगे, फायर पंप्स होंगे, वाटर पंप्स होंगे, ड्रेन पंप्स होंगे, जितने भी हमारे पास मैकेनिकल लोड्स होगा वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा हमारा लाइटिंग लोड हो सकता है, लाइटिंग लोड में हमारा, लाइटिंग लोड सिर्फ लाइटिंग फिक्सचर को या ल्यूमिनरीज को नहीं कहते हैं, इसके अलावा भी लाइटिंग लोड होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 में। तो लाइटिंग लोड भी हो सकता है हमारा, पावर लोड हो सकता है हमारा, पावर लोड होगा कौन से तरह का लोड है, पावर लोड होगा हमारा, और इसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा लो वोल्टेज और सेंसिटिव लोड होता है, सेंसिटिव लोड होता है। तो इन सबको, इनके हिसाब से, इनके फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, यानी कि मैकेनिकल लोड है तो हम ये कंसिडर करेंगे भाई इसका स्टार्टिंग करंट कितना ज़्यादा हो रहा है, हमारा ओवर लोड तो नहीं हो जाए, या फिर पावर लोड है तो पावर लोड में हमारे पास बहुत ज़्यादा लोड तो कनेक्ट नहीं हो गया, और अगर सेंसिटिव डेटा है या फिर एक्स्ट्रा लो वोल्टेज है, यहाँ पे कहीं इंटरप्शन तो नहीं आ गया, और या फिर वोल्टेज स्पाइक तो नहीं आ गई जिसकी वजह से सिस्टम पूरा हमारे डैमेज हो जाए। तो इन सब को कंसिडर करके अपने पूरे 1000 kVA को हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने लोड के हिसाब से। तो ये होती है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग। और जब हम सब डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद जो इनकी ड्राइंग्स बनाई जाती हैं या लेआउट्स बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो इस कोर्स में हम ये सब पूरा कवर करने वाले हैं, जो फाइनली हम कल से शुरू कर देंगे। अभी ये आपके पास एक ओरिएंटेशन सेशन था जो अभी हमने डिस्कस किया इस कोर्स में। तो अभी जो है यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो शुरू करते हैं क्वेश्चन सेशन। तो मेरी तो यहाँ पे बात पूरी हो गई फिलहाल। एनी क्वेश्चन प्लीज? क्वेश्चन नहीं है तो
अपना आप बता सकते हैं, आपको समझ आया? इंटरेस्ट भी रहा? हाँ, परंतु नहीं, एक सेकेंड बताऊँ, पानी पी लूँ। देखिए, हमारा जो लोड हम कनेक्ट अपना डिज़ाइन करते हैं सिस्टम, तो हम अपने जब आपकी पहली मीटिंग होगी आपकी एक क्लाइंट के साथ, तो उससे पूछेंगे आपका फ्यूचर में एक्सपेंड करने का क्या इरादा है। तो अगर वो कहते हैं हाँ भाई, मैं फ्यूचर में ये अपनी इस बिल्डिंग के बराबर में एक बिल्डिंग और बनाऊंगा, तो उस केस में क्या करेंगे हम? देखिए, हम पूरा सिस्टम तो निकाल के दोबारा ऐड नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या करते हैं हम, एक और सिस्टम उसके साथ ही पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। यानी कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर अभी 1000 KVA का था, क्योंकि मेरी 1000 KVA की लोड था, तो नेक्स्ट अगर मेरा और लोड बढ़ता है तो मैं उसके साथ एक और ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दूंगा पैरेलल में, तो मेरे सिस्टम का लोड बढ़ जाएगा। एनीवन एल्स? अब्दुल कुद्दूस अंसारी, गुलाम अशरफ, हारिश, विष्णु, जुनेद, कामता? हाँ प्लीज प्लीज। करेक्ट 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 करेक्ट। देखिए, अभी आपके क्लाइंट ने आपको कुछ नहीं बताया, जब फर्स्ट मीटिंग होगी प्लानिंग स्टेज में ये पहले ही प्लान हो जाता है कि बिल्डिंग क्या होगी, आपका रेजिडेंशियल होगी, कमर्शियल होगी, इंडस्ट्रियल होगी, और क्या बिल्डिंग है, वो पहले ही डिसाइड हो जाता है, इसके बिना प्लानिंग शुरू ही नहीं होती है। अब जब सपोज करें, दूसरा पॉइंट आपका पार्ट जो है क्वेश्चन का ये है कि अगर सपोज करें मॉल बना रहे हैं वो, अब मॉल में अलग अलग टेनेंट्स आएंगे, यानी कि अलग अलग कस्टमर्स, कस्टमर इन द सेंस अपनी शॉप्स लेके आएंगे अलग अलग ब्रांड्स, सपोज करें शॉपर स्टॉप आ गया या फिर आपका रिलायंस स्मार्ट आ गया, तो अभी आपको नहीं पता है, आपने मॉल बनाया, वो फ्यूचर की बात है, कौन क्लाइंट आएगा, उसका लोड कैसा होगा। अगर मान लीजिए उसमें रेस्टोरेंट है तो उनके अलग लोड होंगे, अगर कोई आपके पास शॉपिंग स्टोर है, क्लोथिंग स्टोर है, उनका लोड अलग होगा, तो उन सबको हम कंसिडर करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा अभी जब आगे कोर्स में चलेंगे ना, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसके लिए डिज़ाइन करना है अपना सिस्टम। हम ये इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग जो है ना, वो पूरा का पूरा एजम्पशन है और एस्टिमेशन है, कभी भी हम इसमें एक्यूरेट, कोई भी डिज़ाइन इंजीनियर ये दावा कर नहीं हो सकता है कि वो 100% एक्यूरेट डिज़ाइन कर देगा। क्योंकि सपोज करें अगर किसी के लिए आपने डिज़ाइन कर दिया सिस्टम और आपका आपको नहीं पता, अब आपका जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है फ्लैट में रह रहा है, वो कौन सी मशीन यूज़ करेगा, वो फ्यूचर में क्या यूज़ करेगा, अपना लोड बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, कुछ पता ही नहीं। तो इसको हम एस्टिमेट करते हैं कुछ एजम्पशन पे, जो स्टैंडर्ड एजम्पशन है, जो इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं, उसके हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। होप इट इज़ क्लियर फॉर यू, उमेद। नेक्स्ट हरेश, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? संजीव, परमजीत, मुकेश? यस यस प्लीज। यस जी, हाँ वो भी सीखेंगे, डायलेक्ट्स भी हम बात करेंगे इस पर। नहीं, देखिए, और डायलेक्स में सिर्फ आप लाइटिंग कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि रेंडरिंग करते हैं उसमें। हमने कोई अगर अपने रूम बनाया, उसमें रूम में कितनी लाइट की ज़रूरत है, उसको हम 3D इफेक्ट में देखेंगे कि कैसा दिखेगा हमारा रूम। और ऑटोकैड में हम ड्राइंग्स बनाएंगे, उसमें रेंडरिंग नहीं करेंगे, रेंडरिंग नहीं है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज, परमजीत, जुनेद हैं, जुनेद साहब, कामरान, मुदस्सिर, परमजीत, मुकेश, किसी और का कोई क्वेश्चन?
जी मुकेश, मुकेश प्लीज, या जुनेद, किससे? बस टेक्स्ट से। ओके ओके, जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी ना, एडिशनल आपको चाहिए हो, वो कोर्स के लास्ट में आपके, क्यों हो सकता है हम उसको आगे डिस्कस कर रहे हो, तो कोर्स के लास्ट में आपको जो स्पेशल कुछ रिक्वायरमेंट हो ना, तो वो सब लोग आप हमसे कनेक्ट होके पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, ओके, हम एक काम और करेंगे, हम एक अलग से सेशन उसमें पूरा लास्ट में कर लेंगे, एक दफ़ा याद दिला दीजिएगा, पूरा बस कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, बस बार कैलकुलेशन वो लास्ट में सीख लेंगे, ठीक है। मुकेश, मुकेश एंड परमजीत, योर हैंड रेज, कोई क्वेश्चन है? जी, जुबैर बोलिए बोलिए। जी, हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ, करेक्ट, ये चेकलिस्ट, हाँ, अभी ना हमारी टीम इस पे काम कर रही है, असल में हम ना फर्स्ट, ये हमारा थर्ड या फोर्थ बैच है इंडिया में जो हमने शुरू किया है, तो अभी हम लोग ने उस पे काम शुरू किया है, हमारी एक तो नई बुक कंपाइल हो रही है, तो हमारी मेरी टीम काम कर रही है उस पे, और जो चेकलिस्ट वगैरह है ये सब हम लोग उस पे काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कोर्स के लास्ट तक आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, और इसके अलावा भी आप ना हमारे साथ लाइफ टाइम कनेक्ट रहेंगे, जो जो हम नया एडिशनल करते जाएंगे वो हम शेयर करते जाएंगे लाइफ टाइम। ओके, थैंक यू। और या प्लीज, यस, देखिए, अगर मेनली आप लोग के ना जितने भी आप 15 या 16 स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो उनके ना अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स हैं, किसी के हमारे इरफान भाई हैं, किसी के हमारा अमान है, किसी के अमान भाई और मिस्टर मिसबा हैं और नफीस साहब हैं, तो जो जो कोऑर्डिनेटर है ना, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, वो आपको हेल्प कर देंगे ऑटो कैड इंस्टॉल कराने में भी, और अगर नहीं है आपके पास ऑटो कैड तो वो आपको प्रोवाइड भी करा देंगे। नहीं, हम आपको बहुत ही सिंपल, आप ये देखिए, ऑटो कैड हम यहाँ से शुरू करेंगे कि ऑटो कैड स्टार्ट कैसे करते हैं, यानी कि उसको ओपन कैसे करते हैं, वहाँ से सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।